हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइसोसोम्स। हम ऑर्गेनलीज सेल की ऑर्गेनलीज पढ़ रहे थे, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम क्या होता है? अगर हम लाइसोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइसोसोम जो है वो स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, इसमें जो है सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है एंड इट इज स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम जो है वो उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में? बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, जैसे ये कोई भी हमारी सेल है, सेल के अंदर क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, उसके बाद क्या होता है? गोल्गी एपरेटस होता है उसके साथ। तो जो एंजाइम्स, ये एंजाइम्स कौन सिंथेसाइज करता है? रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एंजाइम की सिंथेसिस करता है, और जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एंजाइम्स गोल्गी एपरेटस के थ्रू कहाँ आते हैं? लाइसोसोम में आते हैं। तो एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दीज आर ट्रांसफर टू लाइसोसोम थ्रू गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये लाइसोसोम में आते हैं। तो अब लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो हैं एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को किस में ब्रेक डाउन कर देते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। सो लाइसोसोम्स में क्या होता है? लाइसोसोम्स में जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होंगे वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किए जाते हैं। अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सारी सब इन दीज लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी में ये अब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम्स को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है सेल का। लाइसोसोम्स को सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहा जाता है, हम ये देख लेते हैं। मान लीजिए सेल के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी आ गई है, सेल जो है ख़राब हो गई है किसी वजह से। जैसे सेल, ये कोई सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये ऑर्गेनलीज, मान लीजिए ऑर्गेनली, कोई ऑर्गेनली सेल की प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। कौन कौन सी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। अगर कोई भी सेल की ऑर्गेनली डैमेज हो गई है, वो अच्छे से फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रही है, तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं उस ऑर्गेनली को डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल को जो है क्लीन रखते हैं। उसी तरह से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी सेल के अंदर आ जाता है तो उस फॉरेन पार्टिकल ये सेल के लिए हार्मफुल होगा, इसलिए जो है ये लाइसोसोम्स उस फॉरेन पार्टिकल्स को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल को हार्मफुल इफेक्ट से बचाते हैं। तो इसलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है लाइसोसोम्स को। दिस हेल्प्स टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड वोन आउट सेल। एक और नाम से जाना जाता है लाइसोसोम्स को, वो क्या होता है? सुसाइडल बैग्स। सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं लाइसोसोम्स को, ये याद रखना बच्चों, क्योंकि कौन सी ऑर्गेनली है जिसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं? वो होती है लाइसोसोम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता था? पावर हाउस ऑफ द सेल। उसी तरह लाइसोसोम का क्या नाम है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारी कोई भी सेल है, जो सेल अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, उस सेल के अंदर कोई डैमेज हो गया है, कोई ख़राबी आ गई है, वो अच्छे से फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही है, तो जो हमारा सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्रस्ट आउट हो जाते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं, और जो इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव मटीरियल, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है लाइसोसोम्स को। व्हेन सेल गेट डैमेज्ड, लाइसोसोम मे ब्रस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट द सेल, सो दीज आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइसोसोम।
इस तरह अगर हम लाइसोसोम के फंक्शंस की बात करें तो लाइसोसोम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आता है उसको डाइजेस्ट करता है और सेल को जो है क्लीन रखता है। इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम्स ब्रस्ट हो जाते हैं और जो इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं वो सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है लाइसोसोम्स को। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। अभी हम नेक्स्ट ऑर्गेनली के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सी है, राइबोसोम। अभी हम कौन सी पढ़ेंगे, राइबोसोम ऑर्गेनली पढ़ेंगे। राइबोसोम जो होता है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली होती है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली होती है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो है राइबोसोम कौन सी कैसी ऑर्गेनली है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है। अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो हमारा न्यूक्लियस जो था वो लार्जेस्ट ऑर्गेनली था। जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो बोथ राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। बट राइबोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ अब्सेंट होते हैं, आरबीसी में, और मैच्योर स्पर्म जो होता है वहाँ राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो क्या होता है, राइबोसोम्स आर फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और मे अटैच टू द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स अभी हमने देखा था कि मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली होते हैं, उनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस के ऊपर अटैच्ड भी हो सकते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो केमिकली किसके बने होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स से जो हैं वो राइबोसोम्स बने होते हैं। तो ये क्या था, राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। राइबोसोम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट आरबीसी एंड मैच्योर स्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, दीज आर फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और मे अटैच टू द सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनली पढ़ा था तो हमने देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उसके सर्फेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम किसके बने होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अगर हम राइबोसोम्स के फंक्शन की बात करें तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तब उसमें भी देखा था कि जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन हो गया, दीज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इनको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वॉज अबाउट राइबोसोम एंड लाइसोसोम।